नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे बारिश का शरीर पर प्रभाव। वास्तव में बरसात के पानी से शरीर की अग्नि अर्थात जठराग्नि जो अन्न का पाचन कराती है वह कमजोर हो जाती है। तो आज हम वर्षा ऋतु में शरीर पर क्या असर होता है और इससे हम बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि हेतु सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, साथ ही 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश में पीने के पानी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्षा पर निर्भर रहना होता है। ऐसे में वर्षा जरूरी भी है और इसे बारिश के मौसम में धरती पर अनेक बदलाव दृष्टिगोचर होते हैं। आयुर्वेद शास्त्रानुसार शरीर में 3 दोष वात पित्त और कफ अपने प्राकृतावस्था में स्थित होते हैं। इस शरीर पर वर्षा ऋतु में बहुत से प्रभाव होते हैं, जैसे त्रिदोष में से वात दोष का प्रकोप होने लगता है, जठराग्नि मंद होने से भूख कम लगती है, अंततः शरीर की प्रतिकार शक्ति कमजोर होने लगती है। उपरोक्त बदलाव से शरीर में होने वाले परिणामों से बचने हेतु आयुर्वेद शास्त्र में ऋतुचर्या का पालन करने का विधान है, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र का प्रथम प्रयोजन ही शरीर की स्वस्थता बरकरार रखना होता है। आयुर्वेद के महान आचार्य महर्षि चरकाचार्य जी ने वर्षा ऋतु काल में किन किन बातों का ध्यान रखना है उसका बहुत ही वैज्ञानिक और विस्तृत वर्णन चरक संहिता के तस्याशीतीय अध्याय में वर्णन किया है। वर्षा ऋतु के पहले ग्रीष्म ऋतु यानी आदान काल में शरीर अत्यंत दुर्बल रहता है, फिर वर्षा ऋतु आ जाने पर वातादि दोष प्रकुपित होकर जठराग्नि और भी कमजोर हो जाती है। बारिश के जल विपाक भी अम्ल हो जाने के कारण जठराग्नि का बल अत्यंत क्षीण हो जाता है, इसके कारण तीनों दोषों का प्रकोप होने लगता है। मुख्यतः वात दोष बहुत ज्यादा विकृत होता है। वर्षा स्वग्नि वले छीणे कुप्यन्ति पवनादयः, शरीर में स्थित तीनों दोषों में वात ही प्रधान होता है और वर्षा ऋतु में यह प्रधान दोष ही प्रकुपित होकर होने से अन्य दोनों दोष भी प्रकुपित हो जाते हैं। शायद इसीलिए ही हिंदी फिल्म में जो गाना प्रचलित हुआ है, टिप टिप वर्षा पानी पानी ने आग लगाई, उसका तात्पर्य यह होगा कि बारिश में वात के साथ पित्त और कफ भी प्रकुपित होने से शरीर में रोग हो सकते हैं। इस विकट अवस्था से बचने हेतु आयुर्वेद शास्त्र में आहार विहार पथ्या पथ्य का निर्देश है। तस्मात साधारणः सर्वो विधि वर्षासु शस्यते, अर्थात वर्षा ऋतु में साधारण नियम अर्थात त्रिदोष नाशक वस्तुओं के सेवन का बताया है, साथ ही सभी भोजन योग्य वस्तुओं में थोड़ा सा शहद मिलाकर खाने का निर्देश है। अम्ल तथा लवण रस वाले और धृतादि की प्रधानता भोजन में रहनी चाहिए। पुराने जौ गेहूं और चावल का प्रयोग करें, मूंग के जूस का भी प्रयोग करें। वर्षा ऋतु में पीने का जल, वैसे तो बारिश में सभी ओर पानी ही पानी उपलब्ध रहता है, जैसे नदी तालाब कुआं नहर इत्यादि, फिर भी हमें इन सभी जगहों का पानी पीने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। विशेष करके गर्म किया हुआ शीतल होने पर जल का पीने हेतु प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इससे दूषित जल सेवन से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। शरीर को हमेशा सूखा रखना चाहिए तथा प्रघर्षण उद्वर्तन यानी उबटन स्नान गंध सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करना हितकर होता है। कपड़े हमेशा सूखे हल्के साधारण धारण करना चाहिए। रहने का स्थान घर भी क्लेद रहित सूखा होना आवश्यक है। इसके बावजूद यदि कभी बारिश में शरीर भीग जाने पर तुरंत शरीर को पोंछकर सुखा लें, सिर पर बालों को तुरंत सुखा लें और शरीर को बार बार बारिश से भिगोने से बचाना चाहिए। वर्षा ऋतु
जनित व्याधियों में सामान्य उपचार परामर्श। बारिश में ज्यादातर सर्दी, जुकाम, गले में दर्द तथा अस्थमा वाले व्यक्तियों में उपद्रव होने की संभावना होती है। ऐसे में कुछ एहतियात बरतना आवश्यक है। श्वसन वहन संस्थान के प्रमुख अंग लंग्स की कार्य क्षमता को बरकरार रखने हेतु छाती और पीठ पर तेल लगाकर आक पत्र से सिकाई करने से संचित कफ पिघलकर बाहर निकलने में सहायक होती है। शीतोपलादी चूर्ण का सेवन आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से करना चाहिए। हर्बल चाय यानी काढ़ा, एक कप पानी में लेमन ग्रास, तुलसी पत्र, पुदीना पत्र और अदरक और मिश्री डालकर उबालकर घूंट घूंट पीने से बहुत लाभ मिलता है। वर्षा ऋतु में बात को अनसुना ना करें। वात दोष को प्राकृत रखने हेतु अव्यंग, वाष्प स्वेदन, वस्ती, पंचकर्म के साथ साथ सुंठी यानी सौंठ, गुड़ और धृत यानी घी को मिलाकर बनाई गई बटी का प्रतिदिन सेवन कर गर्म जल पान करना चाहिए। इस तरह नियमों का पालन करने से हम बारिश का दिल खोलकर आनंद ले सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।